बोली तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मिलेगी तो बता। ज़िंदगी के सारे मज़े एक तरफ और ट्रेन में खाना खाने का मज़ा एक तरफ, और हम लोग पहुंच गए मथुरा स्टेशन पे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं वृंदावन में और मतलब मंदिर वगैरह में कैसी क्या रहेगी। टैक्सी चलो चलते हैं, अब लेंगे यहाँ से होटल और उसके बाद जाएंगे वृंदावन। गाइज़ हम लोग आ गए हैं अपने होटल बुक करने के लिए मथुरा के सुबह सुबह, और ये है हमारा होटल। और ये होटल का रेस्टोरेंट है, तो गाइज मैं रेडी हूँ वृंदावन में होली खेलने के लिए, और बाकी मेरे जो दोस्त हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, उनको पता नहीं कितने घंटे लग रहा है। आई एम तो टू एक्साइटेड टू गो एंड प्ले होली एंड ईट कचौड़ी लस्सी और पेड़े, पता नहीं क्या क्या यहाँ के डिशेज। तो जल्दी मिलते हैं और दिखा रहे हैं आपको वृंदावन की होली। चोर चोर नान चा फड़ा पाओ ये सब खाना है तो बिल्कुल भी मथुरा वृंदावन ना आए, यहाँ पर आए तो बिल्कुल खाएं कचौड़ी और लस्सी और पेड़े और भी बहुत कुछ। मथुरा में हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि आज गोकुल में होली खेली जाएगी, तो हम लोग सबसे पहले गोकुल गए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी होली नहीं मिली। वहाँ ऑलरेडी एक दिन पहले यानी कि कल होली हो चुकी थी, तो अब हम लोग दोबारा गए वृंदावन और लेट्स सी यहाँ पर होली मिलेगी, वृंदावन में होली मिलेगी। आई जस्ट होप यहाँ पर अब होली मिल जाए, क्योंकि हम गोकुल गए थे वहाँ हमें होली खेलने नहीं मिली। अब देखते हैं यहाँ वाके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, आई जस्ट होप यहाँ मिल जाए। प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ यार यहाँ होली हो या नहीं मिले, बट यहाँ आकर एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है वृंदावन में आके। भाई यहाँ की वही कुछ अलग है यार, ऊपर से मुंबई वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी शांति वाली और सुकून वाली जगह है। मिल जाएगी होली तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मिलेगी तो पता नहीं। बांके बिहारी में होली चल रही है, सुबह चलती है, रात को शाम को इस टाइम नहीं चलेगी। क्या लगता है दोस्तों होली खेलने को मिलेगी या नहीं, कमेंट्स में बताइए। रंग तो मिल रहे हैं यहाँ पे, सब मिल रहा है, कपड़े मिल रहे, टी शर्ट्स मिल रही हैं, कुर्ते और ये कलर सब मिल रहा है। लेट्स सी अब अंदर मंदिर में होली मिलती है या नहीं। आपको क्या और बहुत ही प्यारी होली खेलने के बाद हम लोग गए मथुरा की बहुत ही फेमस शॉप ब्रजवासी पर, यहाँ से हम लोगों ने लिए पेड़े और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे खाए, लस्सी पी, और इसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन पर एंड देन आई केम बैक टू माय होम। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, थैंक यू।